राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से उतरे हैं पंडित सुदेश शर्मा, जो कि इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी इसमें, और जानते हैं खुद पंडित सुदेश शर्मा से, जो कि इस बार भी विधायक हैं और अगले बार फिर तैयारी से उतरे हैं कि शायद फतह यही हासिल करेंगे चुनाव में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कोबरापोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना यह होगा दिलचस्प कि आप इससे पहले भी विधायक रहे हैं, इस बार फिर विधायक के लिए आपने टिकट भर दिया है, मैदान में उतरे हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां हैं इस बार? देखिए, मेरे सामने जहां तक चुनौतियों की बात है, चुनौतियां तो बहुत हैं, और जब तक हम लोग समाज के अंदर रहेंगे तो चुनौतियां तो आती रहेंगी, नई चुनौतियां आती रहेंगी और उनके लिए हमें काम करना होगा। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मैंने जितने वायदे किए थे उन वायदों से कहीं आगे बढ़ के काम किया है, और ये मुझसे नहीं, आप मोदी नगर शहर में या कहीं भी आप ये लें, हमारे यहाँ मोदी नगर में एक मोदी कपड़ा मिल की समस्या थी, 20,000 मजदूर उसके अंदर काम करता था, 30 साल पहले वो बंद हो गई, जो 40 साल का जवान था उस समय वो आज 70 साल का बूढ़ा हो गया, लेकिन उनका हिसाब नहीं हुआ था। आपके चैनलों ने भी दिखाया था जिनके लिए हमने कुर्ता उतार करके विधानसभा में उसको मजदूर का पेट दिखाने का काम किया था, और आज उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनवा करके उन मजदूरों का हिसाब ही नहीं करवाया, जब से लेकर के अब तक का ब्याज सहित करोड़ों रुपए का भुगतान हो चुका है, निरंतर हो रहा है, और उन्हीं मजदूरों को क्वार्टरों का भी जिनमें वो रह रहे उनका मालिकाना हक दिलाने का भी काम किया है। एक और दिलचस्प सवाल ये है कि इससे पहले जब विधायक थे तो इस पिछली बार जो एजेंडे थे वो क्या थे, इस बार मेन एजेंडा क्या रहेगा, और ये चुनाव आपके लिए कितना आसान है क्योंकि आप पहले भी विधायक रहे हैं? सर देखिए, मेरे जितने मेरे चुनावी एजेंडे में जितने मेरी घोषणा पत्र में वो थे, वो उससे कहीं फालतू हुआ है, उससे कम नहीं हुआ। मेरे यहाँ की यदि आप सड़कें देखें, चाहे वो मोदी नगर से हापुड़ रोड हो, जब से देश आजाद हुआ है ऐसी सड़क नहीं बनी होगी, चाहे वो मोदी नगर से पतला निवाड़ी मार्ग हो, चाहे मोहद्दीनपुर से छुड़ियाला सैदपुर मार्ग हो, और चाहे वो आपका भोजपुर से फरीदनगर पिलखवा मार्ग हो, आप देखते बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह बनाए, शायद ही अतरौली के लोग खड़े बता देंगे कि किस तरीके की हमने वो सड़कें बनी है भाई। तो और जो भी हमने, चाहे हमारे यहाँ 9 पुलों का मैंने निर्माण कराया अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और जितने भी वादे थे पूरे किए। मोहद्दीनपुर का शुगर मिल था जो कि बंद पड़ा था, वहाँ से हमारे क्षेत्र के किसानों का एक बहुत बड़ा वो जो है जुड़ा हुआ था, और उस मोहद्दीनपुर शुगर मिल को भी जो पिछली सरकार ने वो जो है बेच दिया था उसको भी हमने चलवाने का काम किया, और ये हमने अपना पंचवर्षीय रिपोर्ट कार्ड हमने दिया है पूरा का पूरा, जो भी हमने काम किए हैं, शायद इसमें पूरे भी नहीं आ पाए, लेकिन इतने काम हमने जो एक अपोजिशन के विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए, जो अब आगे की जो हमारी योजना है, हम चाहते हैं कि आज ये बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है जो भी है, क्योंकि मोदी नगर औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, और अब जो ये बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं इनमें जो खाली पड़ी जगह है, सरकार इनको वापस टेक ओवर करे और इनमें आईटी सेक्टर, कंप्यूटर के वो और कुटीर उद्योग लगा करके, हमारी ये मांग है कि उन हमारी ही विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को पंजीकरण करा करके उसमें उनको रोजगार देने का काम करें। एक और सवाल डॉक्टर साहब आपसे यह है पंडित जी कि इस बार कहा जाता है कि जो मोदी नगर है वो एक जाट लैंड है, तमाम जो मतलब जो जातीय समीकरण है वो ज्यादातर जाट है, तो कैसे मतलब आपके लिए क्या कुछ चुनौती है कि कैसे इन लोगों को पक्ष में करना है, या फिर जातीय चुनाव होगा, किस तरह का चुनाव आप इसे मानते हैं? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मैं मेरा जिस दिन आप चुनावी भाषण सुन लेंगे तो उस दिन ये चुनौतियां, इसका मेरे विचार से आप सवाल नहीं पूछेंगे। मैंने आज तक कभी नाम, गाम, जाति, धर्म और गाम पूछ करके काम नहीं किया है, मैं सिर्फ काम पूछता हूँ, और यदि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी व्यक्ति ये कह देगा कि मुझसे मेरी जाति पूछी थी, मुझसे मेरा धर्म पूछा था काम करने से पहले, तो चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, ना मैं इस जाति को मानता हूँ, ना मैं धर्म को, मैं इनसे ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ काम की बात मानता हूँ, विकास की बात मानता हूँ। तो विकास के एजेंडे की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है, किसान बाहुल क्षेत्र है मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र, और इस किसान में किसानों के लिए क्या कुछ काम होंगे, किसानों के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा, क्या आगामी प्रोजेक्ट्स रहेंगे अगर आप फिर से सत्ता में आते हैं तो, वो भी बताएं। देखिए, किसानों के भुगतान का मामला है, पहली बार हुआ
कि हमने मोदियों के अफसरों को भी जेल भिजवाने का काम किया जब गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। सीरा चोरी कर लिया गया हमारे यहाँ से 5.5 करोड़ रुपए का रातों रात। हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, उसको वापस रिकवर करवा करके उसके चेक भी किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। और जहाँ तक हमारे किसानों की बात है तो किसानों में और मजदूरों में तो हमारी देखिए आत्मा बसती है। हम उन्हीं के लिए राजनीति करते हैं, उन्हीं के लिए हम काम करना चाहते हैं और किसानों के गन्ना भुगतान, उनकी फसल के वाजिब दामों के लिए जिस तरीके से पूरे 5 साल संघर्ष किया है और भी इससे ज्यादा हम संघर्ष जो है किसान और मजदूर के लिए करेंगे। तो ये थे मोदीनगर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी पंडित सुदेश शर्मा, जो कि ये कह रहे थे कि विकास का दौर है, विकास चलता रहेगा, संघर्ष का दौर है, संघर्ष चलता रहेगा, दोबारा सत्ता में आएंगे तो दोबारा से संघर्ष करेंगे और एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के बाद मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और गरीबों के लिए एक लड़ाई जारी रखेंगे, जो कि पहले 5 साल भी चलती रही है और आगामी 5 साल फिर चलती रहेगी। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से गौरव सिंह, कोबरापोस्ट के लिए।